हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 जो है मेंसुरेशन, जिसको कहते हैं क्षेत्रमिति। किसी भी डायग्राम का क्षेत्र निकालना हो, ठीक है, एरिया, ठीक है, वो मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है। जैसे मानते हैं ये कुछ फिगर डायग्राम आपका दिया हुआ है, देखिए ये फिगर बनाया हुआ है, ये कुछ एग्जाम फिगर में देखिए लिखा हुआ है, इसमें पूछ रहा है इसका एरिया निकालना होगा। जैसे व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ द फेंस राउंडेड टू द फाइंड द लेंथ ऑफ फेंस नीड द फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए पार्क हुज 100 मीटर। ये फिगर हमारा जो बनाया हुआ है, इस पर देखिए इसका जो भी है ये नीचे सॉल्व करके बता दिया है किस तरह क्या सॉल्व होना, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। कुछ हम इसका डायग्राम दिया हुआ है, उसका एरिया निकालने का कुछ हम वो बता देते हैं। जैसे कुछ डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, ठीक। इसे मान लीजिए पहले हमारा दे दिया हो रेक्टेंगल, ठीक, रेक्टेंगल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल में फ्रंट साइड जो होती है वो आर इक्वल होती है, यानी इस साइड के बराबर यह साइड होगी और इसके बराबर यह होती है, यानी फ्रंट साइड आर इक्वल। फ्रंट साइड आर इक्वल यानी उसकी आमने सामने की जो भी साइड होती है बराबर होती है, और इसका प्रत्येक जो होता है एंगल, इच एंगल इज 90 डिग्री, आर कॉल्ड ए क्या कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक। इसका रेक्टेंगल डिफिनेशन हो गया कि फ्रंट साइड आर इक्वल एंड इच एंगल इज 90 डिग्री आज कॉल्ड ए। अब इसका मान लीजिए एरिया निकालना हो, तो इसका एरिया निकालना होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है एल इंटू बी, जहां एल होता है लेंथ लेंथ और बी जो होता है ब्रेथ होता है, ठीक। और दूसरा डायग्राम मान लीजिए आ जाता है स्क्वायर, ठीक, ये मान लीजिए अपना स्क्वायर है, ठीक, स्क्वायर है। स्क्वायर का डिफिनेशन होता है कि ऑल साइड आर इक्वल या फोर साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री आर कॉल्ड ए क्या स्क्वायर, ठीक। इसकी प्रत्येक जो साइड होती है आपस में बराबर होती है और प्रत्येक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। इसका जो हम एरिया निकालते हैं, यानी एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या साइड इंटू क्या साइड, यानी जो भी साइड होगी साइड में साइड का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा एरिया निकल जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अगर एक ट्रायंगल हो दिया हो, मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल दे दे और ट्रायंगल में एक क्या हो राइट एंगल बना हो, जैसे बीच बाइसेक्ट किया गया, इसको बाइसेक्ट ट्रायंगल हो कर देते हैं, तो यहाँ क्या होती है राइट एंगल बन जाता है ना इस ट्रायंगल को, ठीक। मान लीजिए फिर यहाँ मैंने कोई ट्रायंगल लिया, ठीक, कोई ट्रायंगल लिया, इसको बाइसेक्ट जब करेंगे बीच बीच में तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब इसका हम वो एरिया निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू पाई बी, यानी बी मतलब बेस का स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक, ये पैरेललोग्राम, ये यहां से हमारा क्या होता है डॉट करते हैं, यहां हमारा राइट डिग्री यानी 90 एंगल बनता है जो यच होता है, ठीक। और ये हमारा जो होती है पूरी ये जो होती है बेस होती है। अब इसका भी हमको एरिया निकालना हो, एरिया पैरेललोग्राम, ठीक, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू ए बाइसेक्ट हुआ यानी 1/2 b × h, जहां b इज इक्वल टू होता है बेस जो हमारा नीचे दिया हुआ राइट, ठीक है दिया है, और h इज इक्वल टू जो होता है हमारा होता है हाइट, ठीक हाइट जो हमारा ये दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद एक हमारा आता है क्या सर्किल, सबसे पहले आता है एक डायग्राम जो हमारा है वो है सर्किल, ठीक ये सर्किल हो गया, मान लीजिए ए सर्किल, ये बीच में क्या होता है हमारा सेंटर होता है जिसको हम केंद्र मानकर क्या करते हैं पूरे घुमाते हैं, तो हमारा क्या होता है एक तरह डायग्राम बनता है जिसको हम कहते हैं सर्किल। अब यहाँ से इस सर्किल के केंद्र से एक सिरे की जो भी दूरी होती है इसको कहते हैं रेडियस यानी आर, क्या कहते हैं रेडियस। अगर ये सेंटर से होके जाते हुए मतलब इसकी एक सिरे दूसरे सिरे तक पहुँचती है इसको कहते हैं क्या डायमीटर, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो बाइसेक यहाँ करते हैं ये इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। अब इस प्रकार जब इसका हमको क्या निकालना होगा एरिया, एरिया ऑफ सर्किल, जिसमें मान लीजिए ये जो रेडियस होता है हमको यहाँ मान लीजिए बी मान लेते हैं, ठीक। तो जब एरिया ऑफ सर्किल निकालेंगे तो एरिया ऑफ सर्किल निकाल, एरिया ऑफ सर्किल तो होता है क्या पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान दो दिया रहता है, एक फ्रैक्शन देता है क्या 22/7 है, और एक जो होता है डेसिमल देता है 3.14, ठीक। इस प्रकार हमारा ये कुछ एक्सरसाइज इसका दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट करके बताएंगे तो उसको फिर आप समझा कर आपको उसका वीडियो बनाकर दिया जाएगा।